माननीय सभापति महोदय, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा त्रिपुरा राज्य के डारलोक समुदाय को कुकी समुदाय के उपजाति के रूप में सूचित करने का प्रस्ताव है। देश के पूर्वोत्तर में स्थित त्रिपुरा राज्य में जनजातीय समुदाय की संख्या लगभग 11,66,000 है, जो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के 31.76% अनुमानित है। डारलोक समुदाय को सूची में शामिल होने के पश्चात इनको भी जनजातीय समुदाय के रूप में एक पहचान मिलेगी। कुकी समुदाय देश के पूर्वोत्तर राज्य में एक प्रमुख जनजातीय समुदाय है और डारलोक समुदाय को इस सूची में शामिल होने के पश्चात त्रिपुरा राज्य में कुकी समुदाय के 18वें उप जनजाति के रूप में इसका समावेश होगा। त्रिपुरा राज्य में 19 प्रमुख जनजातियाँ हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुकी समुदाय के उपजाति डारलोग को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने संबंधी विधेयक में आज राज्यसभा के माननीय कई अनुभवी सांसदों के सुझाव आए, विचार आए। मैं उनके सुझाव का, उनके विचारों का सम्मान करती हूँ। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी समाज की संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी समस्याएं एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए उनकी भलाई के लिए, वो जिस क्षेत्र में रहते हैं उन क्षेत्रों के विकास के लिए, उनके संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए 1999 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग से मंत्रालय का निर्माण किया। और आज इस सदन में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जनजाति कार्य मंत्रालय और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार के जो 41 मंत्रालय हैं, अपने अनेक योजनाओं के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों के विकास और अनेकों इस योजनाओं के माध्यम से उनके विकास और भलाई का काम कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सदस्य मेरी बहन फूलो देवी नेताम, मानिक शाह, शांतनु सेन, मोहम्मद अब्दुल्ला, ममता मोहंता, बी लिंगायत यादव, अयोध्या रामी रेड्डी, एम थब्बी डुराई, विश्वंभर प्रसाद निषाद, संतोष कुमार, संजय सिंह, अशोक सिद्धार्थ, आदरणीय राम विचार नेताम जो स्वयं छत्तीसगढ़ से हैं, इन सभी ने अपने अपने सुझाव को शामिल करते हुए इस विधेयक पर अपना समर्थन दिया है। फूलो देवी नेताम छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से आती हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की कई जातियों को जो अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है, उनके संबंध में यहाँ पर कहा। मैं उन्हें आश्वस्त करती हूँ कि हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में माननीय अर्जुन मुंडा जी स्वयं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उड़ीसा सहित भारत देश के जिन राज्यों से भी आदिवासियों की सूची में शामिल करने वाले जातियों के जो प्रस्ताव हैं, उन सब पर हम बहुत गंभीर हैं और इसके लिए बार बार हमारी बैठकें हो रही हैं। और जो प्रपोजल हैं, जो प्रस्ताव हैं, जो अधूरे हैं, इसके लिए हम राज्य सरकारों से लगातार बात कर रहे हैं। हमारी बहन फूलो देवी नेताम जी छत्तीसगढ़ के संबंध में कह रही थी, मैं फूलो देवी नेताम बहन को ये कहना चाहती हूँ कि सन 2003 में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ की क्या दुर्दशा थी, क्या स्थिति थी, ये देशवासियों से छिपा नहीं है। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2003 से लेकर 18 तक हमारी सरकार ने वहाँ पर छत्तीसगढ़ वासियों के विकास के लिए बहुत काम किया और जो बस्तर क्षेत्र है, सरगुजा क्षेत्र है, वहाँ पे नक्सली उन्मूलन के लिए बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास किया और काम किया। आप बिना इजाजत के बोलिए प्लीज, बिना इजाजत के बोलिए। वहाँ पर 16 जिले हुआ करते थे, हमने बस्तर क्षेत्र में
बीजापुर और नारायणपुर को पहले जिला बनाया और इसके साथ 2011-12 में एक साथ हमने 9 जिलों का निर्माण किया। और इसके साथ साथ जहां भी पब्लिक की डिमांड आई, हमने एक साथ 49 तहसील का निर्माण किया। आज पहले छत्तीसगढ़ को कोई नहीं जानता था, लेकिन जिस प्रकार 15 सालों में वहां का विकास हमारी सरकार ने किया, आज छत्तीसगढ़ देश के नक्शे पर दिखाई देता है और हर एक क्षेत्रों में वहाँ पर विकास हुआ। आज मैं जरूर कह सकती हूँ कि 3 सालों से वहाँ पर विकास ठप है। अभी एक छोटा सा बाई इलेक्शन हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में एक साल्हेवारा करके ट्राइबल क्षेत्र है, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने, आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने जनता को एक प्रलोभन दिया है कि आपने यदि खैरागढ़ का चुनाव हमें जिता दिया तो 24 घंटे के अंदर हम जिला बना देंगे। जिस प्रकार से आपने 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सामने कहा था कि हमारी सरकार बने, माननीय मंत्री जी के जवाब रिकॉर्ड पे जाना चाहिए प्लीज। इस तरह से आपने छत्तीसगढ़ में एक छोटे से चुनाव में जिला बनाने के लिए आपने घोषणा की है। साथ में हमारी बहन ने कहा कि 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और त्रिपुरा में भी 2023 में चुनाव होने वाला है, तो चुनाव को ध्यान रखते हुए आपने वहां के लोगों का वोट लेने के लिए ये विधेयक को लाया है। देखिए, एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। जैसे कल झारखंड का हमने प्रस्ताव पारित किया, झारखंड की जनता देश की आज़ादी के बाद से, वहाँ की जो जातियाँ हैं जिनको कल हमने शामिल किया, वो देश की आज़ादी के बाद से इंतजार कर रही थी कि हम कब सरकार हमें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करे। तो इस प्रकार से त्रिपुरा की जनता भी, त्रिपुरा की जो डारलोग जनजाति है वो भी इंतजार कर रही थी। और ये ऐसी सरकार है बहन जहाँ पर जनता की सुनी जाती है और जनता की उम्मीदों को यहाँ पर पूरी की जाती है। तो आपने जो छत्तीसगढ़ के जनजातियों की चिंता की है, उसको बहुत जल्दी हमारी सरकार विधेयक के रूप में लेकर आएगी। शांतनु सेन जी ने अपने सुझाव के साथ साथ आदिवासियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में अपनी चिंता जाहिर की है। मैं जरूर कहूंगी इस बात को कि पश्चिम बंगाल में जो जनजातीय समाज के लोग रहते हैं, भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है, लेकिन आपकी सरकार की वजह से, पश्चिम बंगाल की सरकार की वजह से वहां पर जनजातियों को उनका हक हासिल नहीं हो पा रहा है, जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से हमारे जिन भी माननीय सदस्यों ने अपने अपने प्रदेश कि जो जातियां हैं जो अनुसूचित जनजाति में शामिल होना चाहती है, ऐसे जनजातियों के संबंध में आपने अपने विचारों को यहां पर रखा है। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है और जैसे ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, हम एक एक करके उन प्रस्ताव को सदन के माध्यम से पारित करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे विषय आए, बहुत कम समय में कई सदस्यों ने अपनी अपनी बात को रखा। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि किसी भी जाति के विकास के लिए, किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। तो हमारी सरकार ने ट्राइबल क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल का गठन किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2013-14 के पहले ये एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या लगभग 167 थी और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है सदन को बताते हुए कि 2021-22 में एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या 679 है और एक एक स्कूल में 480 बच्चे CBSE कोर्स के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। 6वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई वहाँ पर होती है
और उन बच्चों की बहुत इच्छा होती थी कि जिन स्कूलों में हम पढ़ाई कर रहे हैं उन स्कूलों की बिल्डिंग भी बड़ी होनी चाहिए, वहाँ पर प्ले ग्राउंड होना चाहिए। मैं सदन को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब एकलव्य मॉडल स्कूल के जो बिल्डिंग है, पहले हम 20 करोड़ का बनाया करते थे, आज 38 करोड़ के एक एक बिल्डिंग का निर्माण वहाँ पर होगा। और जिस तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय के स्कूल रहते हैं, सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग रहती है, ठीक उसी तर्ज पर आज हमारे स्कूल होंगे। और इसी तरह से हमारी बहन कह रही थी कि हमारा बजट कम हो गया है, बजट हमारा कम नहीं हुआ है। पहले 2013 और 14 में मैं ज़रूर कहूंगी कि 19,437 करोड़ ट्रैवल मंत्रालय का बजट था, लेकिन आज 2022-23 का जो बजट है 87,585 करोड़ रुपए का बजट है। ट्रैवल क्षेत्रों के विकास के लिए जो ट्रैवल सब प्लान है 2013-14 में ये 21,525 करोड़ हुआ करता था, आज 85,930 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान हुआ है। वन धन विकास ये मेरा सारे सदस्यों से आग्रह है कि मिनिस्ट्री पर बोले, सभी सदस्यों से मैंने बार बार आग्रह किया। समाज के लोग हैं, प्लीज वन क्षेत्रों में रहते हैं और आदिवासियों का जीवन जंगल के ऊपर निर्भर है, ऐसे वनवासियों के वन विकास केंद्र की मैं चर्चा कर रही हूँ। आप जो भी माननीय सांसद ट्रैवल क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं जिनका जीवन जंगल पर आधारित है, ऐसे माननीय सदस्यों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय हमारी पार्टी ने कहा था कि हम पूरे देश भर में 50,000 वनधन विकास केंद्र खोलेंगे, आज 36,000 से भी ज़्यादा वनधन विकास केंद्र। देखिए, 2 साल कोरोना में के कारण हमारा काम जरूर प्रभावित हुआ, लेकिन आज 2022 में 36,000 से भी ज़्यादा वनधन विकास केंद्र खुल चुके हैं और कई लाख जो ट्रैवल हैं वो उनको इसका लाभ मिल चुका है। एक एक वनधन विकास केंद्र में 300-300 लोगों की संख्या होती है, 60% उसमें ट्रैवल रहते हैं, 40% अदर समाज के लोग रहते हैं और उनके आसपास जो भी वनोपज मिलते हैं उन वनोपज को संग्रह करके उसका मूल्य बढ़ाने के लिए, उसके मूल्य संवर्धन के लिए उनको देखे ट्रेनिंग दी जाती है, उनके लिए एक बिल्डिंग का भी निर्माण किया जाता है और वो जिस सामान का निर्माण करते हैं उसकी अच्छी पैकेजिंग होती है, लॉन्चिंग होती है, उनके लिए मार्केट की व्यवस्था की जाती है। तो उनके उद्यम के लिए, उनके रोजगार के लिए जो ट्रैवल कभी मजदूर हुआ करते थे, आज हमारे सरकार की मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हम उन मजदूरों को मालिक बनाएंगे और उन्हें मालिक बनाने के लिए ट्रैवल मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में बंधन विकास केंद्रों के माध्यम से काम कर रहा है। और इस प्रकार से हम एक और उनके विकास की चिंता कर रहे हैं। अभी इस बजट में हमारी सरकार ने ट्रैवल क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम लाया है, उसका बजट प्रावधान हुआ है और ऐसे गांव को हमने चुना है जहां के ट्रैवल जनसंख्या 50% से ऊपर है। तो हमारे मंत्रालय ने ये सर्वे किया कि ऐसे कितने गांव हैं, तो पूरे देश भर में लगभग 147,000 से भी ऐसे 50% ट्रैवल बाहुल्य वाले गांव हैं, उसमें से 36,000 गांव को हमने इस वर्ष लिया है और उन ग्राम पंचायतों में 100% विकास के लिए, जैसे कुछ राज्य सरकार भी उसमें काम करेंगी और जहां जहां पर भी गैप रह जाएगा उस गैप फिलिंग के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के माध्यम से काम करेगी। आज त्रिपुरा के इस विधेयक को पारित कराने के लिए हमारे राज्यसभा के हमारे बहुत अनुभवी माननीय सांसदों ने अपनी बात को रखा है। मैं प्रस्ताव करती हूं कि इस विधेयक को पारित कर दिया जाए।